तो बोरॉन जेड इक्वल टू 5, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरेंगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, 2p1 में, फिर क्या करें, 1s के ऊपर 2 लिख देंगे क्योंकि इसमें एक s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2s2, और p के अंदर वैसे तो 6 आ सकते हैं लेकिन अभी एक है इसलिए अपन लिख रहे हैं अभी 2p1। फिर अब एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ नाइट्रोजन का, जेड इक्वल टू 7, तो क्या करूँगा, पहले 1s में गए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में गए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2p में, अब देखो 2p में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, 2p 3। जैसे अभी मैं गया फ्लोरीन में, फ्लोरीन जेड इक्वल टू 9, 1s में गया 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर बचे हुए, फिर 2s में इसमें भर दिए, फिर 2p में, और p में टोटल मैंने अभी लिखाया था, p में टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और इसके पास टोटल है 9, अपने पास कितने बचे हुए हैं, 5, तो 5 तो p में भर सकते हैं, ये देखो। अब देखो अपन ये जो लास्ट के p इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो कैसे भरे हैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। जो p के अंदर कितने होते हैं, p कितने होते हैं, px, py और pz, 3 टाइप के हैं। अब क्या करूँ, मैंने पहला इलेक्ट्रॉन लेके आया, जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही काम हो गया 4 इलेक्ट्रॉन का, तो ठीक है, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आया मैं पहला, 5। फिर देखो, फिर 2 टाइप से, या तो मैं इसी के अंदर जो 6th इलेक्ट्रॉन ला रहा हूँ वो इसी के अंदर डाल दूँ, नहीं, हुंस रूल ने क्या बोला था, पहले एक एक भरो, है ना, 4 और 3 7, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये तीनों रूल अपने एक साथ लागू हो रहे हैं, जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो तीनों के तीनों रूल एक साथ काम में काम करेंगे, है ना। एक अपना दूसरा रूल क्या था, एक पावली से रूल, पावली से एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये क्या था, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या था कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चेक कर सकते हो, चारों क्वांटम नंबर सेम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं हो सकते, है ना। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जैसे मैं जेड इक्वल टू 10 की बात करूं, जेड इक्वल टू 10 किसका होता है, नियोन का। अब देखो, सबसे पहले 1s में गया, 2s में गया, 2p में, अब देखो 2p में 6 होते हैं, 6 के 6 भर दिए, 2p 6, तो फिर आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, आगे की कोई ज़रूरत नहीं, तो 1s2, 2s2, 2p6, जैसे अब मैं तुम्हें तो बता देता हूँ कि जैसे क्लोरीन में गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1s2, क्लोरीन का पहले सबसे पहले एटॉमिक नंबर याद करना ज़रूरी है, मैं 1 से 1 से लेकर 30 तक तो मतलब सारे के सारे याद होने चाहिए, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, है ना। तो क्लोरीन के लिए क्या होता है, आज के लिए मैं बता देता हूँ 17, ध्यान में भी रखना है अपने को। तो क्लोरीन के लिए अब कैसे लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले गया 1s2, 2s2, 2p6, फिर क्या होता है 3s2, 3p5, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे, हाँ। फिर आता है अब आते हैं अपन DPP पे, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं DPP के। देखो क्वेश्चन 1 में क्या है, सारों के सारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एटॉमिक नंबर क्या देर का, 17, 18, 19, ये तो अभी 17 का करवाया तो 18, 19 कर सकते हो तुम लोग, सेम वही रूल करना है, 1s में जाना है, फिर 2s में जाना है, फिर 2p में जाना है, ये सब जो n+l रूल,
मैं स्टार्ट करता हूँ 24 से, 24 और 25 से, है ना, एटॉमिक नंबर 24 से। पहले तीन तुम लोग कर सकते हो क्योंकि अभी एग्जांपल करवाया उसी का। तो देखो क्वेश्चन वन के अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तुम लोग कर सकते हो, इसके बाद मैं तुम्हें एक थोड़ा सा आबो प्रिंसिपल के इसके एक्सेप्शन बता देता हूँ। एक होता है फुलफिल्ड एंड हाफ फिल्ड। देखो फॉर एग्जांपल क्रोमियम, क्रोमियम इसका एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू 25, तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, है ना। अब एन प्लस एल रूल के हिसाब से या ओवे रूल के हिसाब से ये होना चाहिए, अपना अपनी सीरीज सही चल रही है उसके हिसाब से। पर देखो यहाँ क्या हो रहा है कि डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है मेरे चार, एक दो, ये देखो पांच होते हैं डी, तो इलेक्ट्रॉन को मैं अलग कलर से डाल देता हूँ, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर चार, और उसके बाद है एस। अब देखो, अब मैंने ऊपर हेडिंग डाला था हाफ फील्ड, तो इसमें क्या हुआ, देखो डी ऑर्बिटल के अंदर, डी के अंदर टोटल कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और मैं एक एक अरेंजमेंट सिंगल अरेंजमेंट करूँगा तो टोटल 5 आ सकते हैं, है ना। तो अब देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्बिटल, जैसे कोई भी ऑर्बिटल फुल फील्ड होता है, मतलब पूरा, जैसे पी ऑर्बिटल है, पी टोटल पी के अंदर टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, एस के अंदर 2 आ सकते हैं, और डी के अंदर 10 आ सकते हैं। तो देखो अगर इन तीनों में, अगर पी के अंदर 6 किसी एटम में, जैसे पी के अंदर 5 आ रहे हैं, किसी में 6 आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा 6 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पूरा का पूरा भर जाता है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है ना। या पी के अंदर, एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 और 3 का केस कैसे होगा पी वाला, कि 2 वाला ऐसे होगा, जैसे 3 बना दिया मैंने ये, है ना, और 3 वाला होगा ये, तो 3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उस रोल को क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। कुछ सिमेट्री हो जाती है इसमें, है ना, सिमेट्री से ये स्टेबिलिटी बढ़ जाती है सिमेट्री से इसकी। जैसे सेम एग्जांपल होगा अब डी के अंदर, डी के अंदर तुम देखो 3d4 है, अगर मैं हाफ फील्ड लगाऊं तो डी के अंदर कितनी होनी चाहिए, 5, तो उसमें इस केस में क्या होता है कि लास्ट वाला अरेंजमेंट बदल जाता है अपना 3d। जब 4s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन, जो 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उसमें क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, और तो सारा का सारा सेम होगा, 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, क्योंकि फुल फील्ड, फुल फील्ड में क्या हो रहा है, सॉरी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड में अगर d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो इसलिए अपन ये काम यहाँ, अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट इसी हिसाब से होता है ना कि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस है, ये अपने को ध्यान में रखना है, और इसका रीज़न भी पता है, ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हाफ फील्ड होने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए एटॉमिक नंबर कितना था 25, क्रोमियम, क्रोमियम के अंदर 3d4, 4s2 की जगह मिलता है 3d5, 4s1। अब करते हैं एग्जांपल ऑफ फुल फील्ड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉपर का, कॉपर का जेड कितना होता है, जेड इक्वल टू 29,
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, तो अपना पुराना जो सही रोल है, मतलब स्टार्टिंग का रोल है, उसी के हिसाब से लिखूँगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3v6, 3d9 और 4s2। ये लिख दिया। पर देखो यहाँ देखो लास्ट में डी में, देखो डी के अंदर ना नो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, है ना। अगर इस पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये क्या है, फुल फिल्ड हो जाएगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, एस से, है ना। तो ये तो पहले लिखा है ये रॉन्ग, क्योंकि फुल फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अपन क्या करें, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ 3d10, है ना, 4s1। तो ये सही है। तो अपने को हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में ये ध्यान में रखना है, नहीं तो अपने को वो सीरीज याद रखनी है, 1s2s, फिर 2p, 3s, 3p, ये सारी सीरीज, पूरी लंबी सीरीज। अब वापस आते हैं DPP पे, और देखो हाँ, अब देखो जेड इक्वल टू 25 का तो एग्जाम्पल ले ही लिया, तो फर्स्ट का फिफ्थ है, जेड इक्वल टू 29 ये भी करवा दिया, जेड इक्वल टू 30, जेड इक्वल टू 30 में क्या हुआ, सेम सेम वो कर सकते हो तुम लोग, 31 में भी कर सकते हो आसानी से, है ना। फिर आते क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट एक क्रोमियम +3, तो तुम लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग में क्रोमियम का लिखोगे। देखो क्रोमियम +3 का मतलब क्या है, कि क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना। तो क्रोमियम के लिए क्या है, जेड इक्वल टू 25, सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जो भी एग्जांपल बताया था मैंने, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1s2, 2s2, 3d5, 4s1। अब देखो अब करना क्या है अपने को, Cr+3, Cr+3 का मतलब क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, अब निकालोगे बाहर से ही, है ना। तो बाहर से निकालोगे, सबसे पहले क्या, एक 4s इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, फिर 4s के अंदर गए तो फिर आगे पता चला आगे डी से निकाल लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ तो इतना तो सेम, और फिर हो जाएगा 3d3, 4s0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। जैसे आ गए कॉपर +2, कॉपर +2 के लिए क्या करोगे, सेम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे जो नॉर्मल होता है कॉपर के लिए, फिर उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। जैसे अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि बता देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 3d10, 4s1। तो अब क्या करोगे, कॉपर +2 ये है कॉपर के लिए, तो कॉपर +2 के लिए क्या होगा, बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो लास्ट से, राइट से चलो फिर वापस निकालने के लिए। अब देखो कॉपर +2 के लिए क्या करोगे, यहाँ तक का सेम, 3p6 तक का, है ना, ऊपर वाला सेम, और फिर क्या हो, एस के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर डी के अंदर आए 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3d8।